आज हम बनाएंगे मैदार मटर के दाल से चटपटी सी पूरी की रेसिपी, ब्रेकफास्ट की रेसिपी। इसके लिए ले लिया है 1 कटोरी दाल, उसे रात को भिगा लेंगे और उसे छान के पीस लेना है। पीस के उसमें डालेंगे एक कटोरी आटा, उसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी, अजवाइन, थोड़ा सा कसूरी मेथी, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा 2 चम्मच रिफाइंड डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स के दाल में इसको फाइन सा आटा रेडी कर लेना है, गूंथ लेना, थोड़ा सा पानी डाल के तो आटा हो गया रेडी। उसके लेंगे एक बड़ा सा लोई, लोई लेके बड़ी सी चकले भर का पूड़ी बेल लेना है। इसी और कोई भी कटर के लिए गिलास या कटोरी छोटा सा ले लें, उसे काट लेंगे। इसी तरह से अपनी सारी पूड़ियाँ रेडी कर लेते हैं। तो हमने सारी पूड़ियाँ रेडी कर ली है। इसी तरह कढ़ाई में डालेंगे तेल और तेल को डाल के हीट करेंगे। एक एक पूड़ी डाल के अपनी सारी पूड़ियाँ इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रंची होने तक फ्राई कर लेना है। तो हमारी पूड़ियाँ भी लमसम फ्राई हो चुकी है। तो इसके लिए हम चटनी तैयार करेंगे। तो ले लिया हरी धनिया, टमाटर, लहसुन, मिर्चा, टमाटर की चटनी बनाएंगे, उसमें तेल डालेंगे। तो लीजिए हमारा गर्मा गर्म